हेलो दोस्तों, मैं रंभा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फूडी गुरु में। मंचूरियन बनाने के लिए हमें लगेगा अदरक, गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सगा प्याज और लहसुन। इन सारे सब्जियों को मैंने बारीकी से कट कर लिया है, जो कि आप देख रहे हैं। ये पत्ता गोभी है, इसको भी मैंने अच्छे से काट के और धो के रख दिया है। अब हम इस जो सारी सब्जियां हैं उन सबको भी मैंने काट लिया है। ये प्याज को काट के मैंने पत्ते गोभी मिला दिया है। ये जो शिमला मिर्च है इसको भी मैंने कट कर लिया और इसको भी मैं मिला दूंगी इसमें। गाजर को घिस के इसमें डाल दिया मैंने। अब सगा प्याज है, इसको भी हमने डाल दिया इसमें। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल और फिर इसमें डालेंगे जीरा और ये पिसा हुआ लहसुन और इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। और फिर इसमें डालेंगे कटा हुआ गाजर और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे। अब देखिए हमने निकाला है इसको। अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो कि हमने अच्छे से कट किया है और अब हम प्याज को गलाएंगे कुछ देर तक। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर कटा हुआ और शिमला मिर्च कटा हुआ। सारे एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक गलाएंगे। इसके डालेंगे हम नमक अपने स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको ढक देंगे और तब तक हम इधर आइए बनाते हैं इसको। पत्ते गोभी में जो सारी सब्जियां थी उसको मैंने डाल दी अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से इसमें जो है पानी निकलता है बहुत सारा, जिससे सब्जियां गल जाती हैं अच्छे से। ये पत्ता गोभी है जो बहुत सारा पानी निकलेगा इसमें से। अब हम इसको ढक के कुछ देर के लिए रख देंगे और तब तक हम ग्रेवी में का काम करेंगे इधर। देखिए तो फिर ये प्याज और जो सब्जियां मैंने इसमें डाली थी वो लगभग गल चुके हैं। आपको मैं दिखा दूँ, देखिए कितना अच्छा से ये गल चुका हुआ है। फिर मैं इसको ढक दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर, फिर इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस 2 चम्मच जैसा। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इसमें जाएगा अब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें बेसन 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे इसमें 2 चम्मच जैसा। सारे एक साथ मिक्स करेंगे पत्ते गोभी के साथ मिक्स करके अच्छे से। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और सारा एक साथ हम इसको मिक्स करेंगे अपने हाथों से मिला के अच्छे से। इसका भी हम बना लेंगे मंचूरियन बॉल। अब हम रखेंगे पैन, इसको गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड तेल। ये बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं सारे। अब हम इसको डालेंगे गरम तेल का, जो कढ़ाई था उसमें मैंने रिफाइंड तेल डाला था। इसमें सारा कुछ हम सारा बॉल्स जो बना के रखे थे मंचूरियन का उसको डालेंगे तलने के लिए। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, ये हमने सारे बॉल्स को तल लिया अच्छे से एकदम। और इधर ग्रेवी भी बन के तैयार है। अब इस ग्रेवी में हम मंचूरियन के जो बॉल्स है उसको डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम कटा हुआ सगा प्याज
इसको हम अच्छे से सजा देंगे। इसमें डालेंगे हरा चटनी, लाल चटनी, टमाटो सॉस। वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। अब हम इसमें अच्छे से सारा जो सॉस है, हरी चटनी है, सब डाल दिए हैं। देखिए कितना स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब वेज मंचूरियन है, बनकर तैयार है। तो ऐसे ही लाजवाब और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए आप हमारा चैनल फूडी गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।